नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, याहू देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ऐसा मामला उजागर हुआ है जिसे सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हां, बलतरा रोड भगवाओ गांव में रहने वाले अनिल कुमार शुक्ला के पास विश्व का सबसे छोटा भगवत गीता है। यह पुस्तक सिर्फ 3 लोगों के पास है। ना चाहते हैं सूरत में इस भगवत गीता है, वो अखबारों में भी चल रही थी, एक चैनल पर भी चला था। हैं, हमने ये सुनने में आया है इस बुक का ऑफर आपके पास आ रहा था खरीदने के लिए। ये जानना चाहते हैं क्या सत्य है झूठ? एकदम सत्य। हम ये जानना चाहते हैं कितने के ऑफर आपके पास आए, कितने लोग किए आपके पास? देखिए, ऑफर तो कई आए थे, जिसमें सबसे कम का ऑफर था 39 लाख का और सबसे ज़्यादा का ऑफर था 1.5 करोड़ का। हाँ, लेकिन उस समय नहीं दिए थे इसको, क्योंकि हम जानते थे कि ये इससे ज़्यादा कीमती है। जो हमारे पास आइटम है, जो बेचा है, वही जितना रेट लगा है उससे ज़्यादा कीमती है, इसलिए हमने वो ऑफर रिजेक्ट किया था। ऑफर लगभग 8-10 आए थे। स्वर्गीय श्री रायचंद मित्तल जी के जन्म दिवस के अवसर पर लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए पुलिसकर्मियों और पत्रकार साथी के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर गाजियाबाद पुलिस लाइन स्थित पुलिस अस्पताल में लगाया गया। शिविर में कान, नाक, गला, आंख और हार्ट की जांच की गई। लोगों के ब्लड की भी जाँच की गई। यहाँ तमाम एक्सपर्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में ECG जांच भी निःशुल्क की गई। चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, कैसा शिविर लगा? बहुत अच्छा शिविर है ये, एक अच्छी कोशिश की गई है। यहाँ पर पुलिस और पत्रकार, चूँकि ये दोनों ही बिरादरियाँ ऐसी हैं जिनके पास वक्त नहीं होता, ये सबके काम ज़रूर आते हैं लेकिन खुद अपने लिए इनके पास कभी भी वक्त नहीं रहता। ऐसी सूरत में यहाँ पर भाई संजय मित्तल जी द्वारा एक कोशिश की गई है, SSP सुधीर कुमार ने उसमें बड़ा सहयोग किया और इन दोनों लोगों की वजह से ये शिविर लगा, जिसमें तमाम पत्रकारों और पुलिस के साथियों ने यहाँ पर अपना जो है अपना चेकअप कराया है और ख़ास तौर से उनके परिवार के लोगों ने भी यहाँ पर अपना चेकअप कराया है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और लोगों को भी ये करना चाहिए, और ख़ास तौर से इस मौसम में जब स्मॉग बहुत ज़्यादा है, तमाम तरीके की परेशानियाँ से लोग जूझ रहे हैं, ऐसी सूरत में इस तरह के कैंप में जो आँख, नाक, कान, गला और ECG की जाँच वगैरह की गई है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों को भी इसमें जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आज एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है इस हेल्थ कैंप का? देखिए, गाजियाबाद की पुलिस लाइन में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और यह स्वर्गीय लाला रायचंद मित्तल जी की याद में उनकी 86वीं जन्म जयंती पर उस पर किया गया है। यहाँ पर तमाम तरीके की जांच कराई गई हैं और करीब 300 के आसपास यहाँ लोगों ने आज स्वास्थ्य का जांच कराया, चेकअप कराया। इसमें नाक, कान, गले, हार्ट और खून, ECG और गायनी की तमाम समस्याओं को लेकर के यहाँ चेकअप किया गया। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनके जन्म दिवस पर किया गया है, ये बहुत सराहनीय काम है और ऐसा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन यदि हों तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे जाँच नहीं करा पाते और इस तरह के आयोजन वो जाँच कराते हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को RCEP मुक्त व्यापार संधि में शामिल करने के विरोध में जमकर हंगामा किया। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा को देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की कड़ी चेतावनी देते हुए किसानों की कमर तोड़ने वाला फैसला बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये सरकार देश के किसानों के साथ, इनके साथ धोखा करके मुक्त व्यापार समझौता करने को जा रही है, जिससे हमारे देश के किसान की आर्थिक रूप से कमर टूटेगी, उनकी फसलों के दाम उनको नहीं मिल पाएंगे। इसके विरोध में हम आज ज्ञापन देना है, महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री इस समझौते को, जो किसानों के लिए घातक कदम है, जो देश के किसानों की कमर तोड़ने वाला कदम है, इस समझौते को वो ना करें और देश के किसानों को अपनी फसल के वाजिब दाम मिले,
उसका इंतजाम हो उसी पर ज्यादा फोकस वो करें। ललितपुर में चलती ट्रेन के उतरते समय गिरने से हाई कोर्ट के वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रेन के नीचे आने से उनके दोनों पैर कट गए। गंभीर हालत में पुलिस ने इन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां से उन्हें झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? गणेश राम मालवीय। क्या घटना हुई? ट्रेन से गिर गए, इलाहाबाद से ललितपुर आ रहे थे गमी में। उनकी उनकी बहू मतलब भाभी नहीं रही जी। ललितपुर आए थे गमी में? ललितपुर आए थे गमी में, तो ट्रेन से गिर गए। क्या हुआ? दोनों पैर कट गए? दोनों पैर उनके कट गए अस्पताल में इस समय, और अस्पताल में उनके उनका प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक इलाज किया जा रहा है। क्या घटना हुई? एक वृद्ध व्यक्ति ट्रेन चलती ट्रेन से उतर रहा था जिससे उसको इंजरी हो गई, उसका लेग पूरा कट गया है, राइट में इंजरी है, उसको प्राथमिक उपचार के उपरांत तो झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाए। कौन लेके आया सर? सिविल पुलिस लेकर आई।